कब खत्म हो गई है। ओ यार शुक्र है तू वापस आया, मुझे तो लगा तू फैसलाबाद जाके वहीं का हो गया। अच्छा अभी किधर है? अच्छा मेरी बात सुन, मैं ना अभी नाश्ता वगैरह करना है, देख 7 बज रहे हैं तो तकरीबन थोड़े से काम है मुझे, 8:30-9 बजे तक मिले अगर तो फ्री है तो। मैंने सिर्फ नाश्ता करना है और थोड़े से काम है मेरे बाहर के। हाँ चल रहा है ना? ओके सीन है, चल सही हो गया, 8:30 बजे या 9 बजे तक मिलते हैं, मैं तुझे टेक्स्ट कर दूंगा ठीक है। चल ओके बाय। चलो जी यार, फिर भी इतने दोबारा सिंपल कंटेंट बनाने का रदा क्यों किया यार? बात ये नहीं कि मैं सिंपल कंटेंट की तरफ आ रहा हूँ, बात ये कि मेरे से सिंपल के अलावा कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, और अगर सिंपल के अलावा कुछ लिखने बैठता हूँ तो ज़्यादा ही गहराई में चला जाता हूँ। ऐसी गहराई, ऐसी सोचे जहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता। कैसी सोचे? हेलोसिनेशंस। और कैसी हेलोसिनेशंस? ऐसी हेलुसिनेशंस जैसे मैं किसी वीरान बयाबान जगह पर अकेला हूँ। कभी तो वो जगह बहुत रोशनी से भरी और खुशगवार सी मालूम होती है, लेकिन कभी वो जगह अंधेरे से घिरी हुई, ऐसे जैसे मैं किसी से भाग रहा हूँ और जो मुझे ढूंढ रहा है वो मेरे पास ही मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे मेरे जहन में ही कोई और मौजूद है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ, और मैं इन हेलुसिनेशंस की दुनिया में कैद हूँ अकेला। यार तू इतना हेलुसिनेट क्यों कर रहा है? तू बस फोकस कर, तू इतना इनको कंसिडरेशंस में ना ला। यार लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तो ऐसी गहरी सोचों में चला जाता हूँ कि मैं वहां से बाहर नहीं आ सकता, और ना लिखने बैठूं तो कोई सिंपल माइंड में आता है जो मैं बनाना नहीं चाहता। यार राइट करते वक्त ये चीज़ें एक बंदे के साथ नॉर्मल है, इतना फोकस ना कर, परफेक्शन ना ला हर एक काम में। यार यार समझ नहीं आती कि रेस्ट लूँ ना लूँ, इतना टाइम हो गया कुछ बनाया नहीं है, 6 माह हो गए हैं, परफेक्शन की परफेक्शन के पीछे जाकर अपनी हेल्थ खराब ना कर। तू ब्रेक ले रहा है मगर मेंटली ब्रेक नहीं ले रहा, तू मेंटली अपने आप को थोड़ा बहुत रिलीफ दे, और मैं तो यही कहूंगा तुझे ज्यादा पता है मेरे से। हाँ यार मैं देखता हूँ इस बारे में। चल थैंक यू फॉर योर टाइम यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
किसे ढूंढ रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? डर क्यों रहे हो? मैं भी तो तुम ही हूं। तुम मैं नहीं हो सकते। कहाँ तक भागोगे? तुम अपने आप से नहीं भाग सकते। मुझे मुझे अकेला छोड़ दो। डर क्यों रहे हो? अगर तुम मैं नहीं हो सकते। तुम्हारी हकीकत हूं, तुम्हारी असलियत। तुम मेरी हकीकत नहीं हो सकते। मेरा सिर्फ एक वजूद है और मैं खुद हूं। अच्छा, तुम नहीं छुपाते अपनी हकीकत? तो फिर ये सब क्या है? ये सफ़े खाली क्यों है? कहानी क्यों नहीं अब तक भरी गई? अबूबकर, डेडलाइन गुजरे हुए तो 17 दिन गुजर गए, तक तुमने स्टोरी पूरी क्यों नहीं देखी? राइटर्स ब्लॉक नाम की चीज का पता है तुम्हें? राइटर्स ब्लॉक 3-3 माह के होते हैं और राइटर ब्लॉक पे कौन अपना कंटेंट बदलता है? तुम दूसरों से ब्लॉग्स करने की बात कर रहे हो, नॉर्मल कंटेंट बनाने की बात कर रहे हो। कहां गए तुम्हारे सारे एम्स? राइटर ब्लॉक या एम्स ब्लॉक? अपने आप को कब से अंधेरे में रखना शुरू कर दिया अबूबकर? ये तुम्हारा राइटर्स ब्लॉक नहीं है अबूबकर, ये सिर्फ तुम्हारी ट्रांजिशन है जो तुम अपने रियल साइड से अपनी अदर साइड के अंदर कर रहे हो। सच तो ये है कि तुम भी सोसाइटी के डर से चेंज होना शुरू हो गए। तुमने भी अपनी आर्ट को सोसाइटी की वजह से दुबाना शुरू कर दिया। एप्रिसिएशन ना मिलने की वजह से तुमने अपनी आर्ट को मारना शुरू कर दिया। पूछो अपने आप से, क्या नहीं है ऐसा? पूछो हमारे
अंदर के आर्टिस्ट को मार देती है। जैसे अगर मैं पोइट हूँ, मैं अगर माशरे में अपनी पोइट्री डिपेक्ट करूंगी, ठीक है, मैं माशरे के सामने अपनी पोइट्री दिखाऊंगी, तो हमारे माशरे में समझा जाता है कि पोइट एक लाजमी है कि मोहब्बत के रिलेटेड ही हो। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है, तो मैं फोटोग्राफर हूँ और वो आके सबको मैंने अब बताया, क्योंकि अब तक मैं छुपाता रहा हूँ ये चीज़ें, अब मैंने ये चीज़ें बताई हैं तो मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता। हमारा सोसाइटी जो है ना पठानों की, तो इधर वो मास कमी मीडिया और ये चीज़ों को बहुत वो कम तर समझते हैं, और लोग जो कहते हैं कि जो ये काम करते हैं तो ये इस्लाम से खारिज होता है। किसी को फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक का शो में कहते हैं कि बरासी बनेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी आई हैव टू गिव अप माय ड्रीम। मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स वगैरह, उनकी जो मेन इसके पीछे कॉज होता है करने की वजह से कि हमें रोकते हैं कि आप आर्ट में जा रहे हो, या बेसिकली वो चाहते हैं हमारा एक फ्यूचर सिक्योर हो, जो सब कर रहे हैं हम उसी लूप में चले, उसी लूप में चल के आप इंजीनियरिंग करो या डिग्री डॉक्टरेट की लो। मेरे ख्याल से 95% लोग सोसाइटी के हिसाब से, हमारे अंदर का आर्ट हमारे माशरे की वजह से दब जाता है, मर जाता है। सोसाइटी आर्टिस्ट को किल करती है, जिसकी वजह से आर्ट खुद बहुत खत्म हो जाती है। अपने पेरेंट्स समाज और सब कुछ हमसे खुश रहे और इसके हमें कोई वो इशू ना बने। हम कोशिश तो ये करते हैं कि अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिए, लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बंदे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उसकी फैमिली से कहती है, फ्रेंड्स कहते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं कि ये पैसा कितना ला रहा है, या कईयों को होता है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो ये चीज़ बहुत कम है। वो बस ये कहते हैं कि जो फील्ड हो वो रिस्पेक्टफुल हो। अगर हम चाहते भी हैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करना, तो हमें इसमें बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके वो डिप्रेशन मसले और बाकी इस तरह हमारे सामने यूथ का जो हाल है। मेरे ख्याल से हर किसी की अदर साइड होती है, लेकिन मेरी भी सबकी होती है ना। आई माइट और माइट नॉट हैव अनदर साइड, क्योंकि हाँ सबकी होती है एक अदर साइड होती है मेरे हिसाब से। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी अदर साइड को ना छुपा देते हैं। हाँ मेरी अदर साइड है, लेकिन सोसाइटी की वजह से हम उसको दफन कर देते हैं। इंसान इस दुनिया में एक बहुत कम अरसे के लिए होता है। यह अरसा इतना मुख्तसर है कि हम इसे औरों के मुताबिक जीने और ख़ुद के मुताबिक जीने के फैसलों के दरमियान ही गंवा देते हैं। तारीख गवाह है कि माशरा तो आज तक किसी भी शख्स से रजामंद नहीं हुआ, तो फिर हम क्यों इसकी रजा के लिए अपनी असलियत को अदर साइड बना देते हैं, अगर हम खुद ही अपने आप को नहीं पहचानेंगे और अपनी पहचान को दबा देंगे तो दुनिया हमें क्या पहचाने। गुड, देखा इतनी सी बात थी और स्क्रिप्ट पूरी होगी, और तू तब से वो राइटर्स ब्लॉक करके बैठा हुआ था। राइटर्स ब्लॉक यार, अब मैं भी इंसान हूँ, हो जाती हैं गलतियाँ सबसे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने खुद को एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक दिया, जिससे मैं एक बहुत गलत ट्रैक पे जा सकता था। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। सो स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो गई है ना? हाँ, स्क्रिप्ट इज कम्प्लीट नाउ, अब बस काम शुरू करेंगे, कल से जाकर शूटिंग शुरू करता हूँ। वैसे यार एक बात बता, क्या तेरे मेरे कोई ऐसे राज हैं जो हम दोनों एक दूसरे के जानते हैं? मतलब वो राज मेरे बारे में जो सिर्फ तू जानता है, और वो राज तेरे बारे में जो सिर्फ मैं जानता हूँ, या फिर हम दोनों के अलावा कोई हमारी अदर साइड है जो हम दोनों से नाखुश है, तू चाहती है कि हम ऐसा बने, मतलब